राष्ट्रीय लोक अदालत कितनी कारगर साबित होती है, यह आज राष्ट्रीय लोक अदालत में एक प्रकरण आया था जहां पति पत्नी में एक साल से विवाद चल रहा था और वह विवाद आज राष्ट्रीय लोक अदालत में खत्म हो गया है और दोनों पति पत्नियों को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षा एवं कमेटी के सामने वरमाला गिराकर दोनों को साथ में रहने का संकल्प दिलाया है और दोनों हंसी खुशी साथ हैं। हम राष्ट्रीय लोक अदालत की जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जानना चाहते हैं कि क्या प्रकरण था और किस तरीके से इन दोनों में विवाद था। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षा मैम से जानना चाहते हैं, मैम बताएंगी किस प्रकरण में। आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है। हमारे सामने एक प्रकरण था जिसमें चंचल प्रार्थिया ने एक केस लगाया था देवी सिंह के विरुद्ध कि ये दोनों की शादी 2002 में हुई थी, आपसी विवाद था। 125 का प्रकरण दर्ज हुआ था, पारिवारिक मामला था। हमने पहले भी इस संबंध में कैंप का आयोजन किया है, डोर स्टेप काउंसलिंग की है और हमने हर जगह जाके ये बताया है कि 12/3/2022 को लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण आपको आपसी सहमति से सुलझाए जाने हैं और इस संबंध में हमने कैंप्स और डोर स्टेप काउंसलिंग की थी और इसका नतीजा आज हमको प्राप्त हुआ है। 2020 में प्रार्थिया चंचल ने एक 125 का प्रकरण दर्ज कराया था और उसमें आज सफलतापूर्वक लोक अदालत में दोनों ही पक्षकारों ने आपसी में राजीनामा किया है, दोनों को न्यायालय परिसर में आपस में समझौता किया है और अब दोनों साथ में रह रहे हैं, वरमाला पहनाई गई है और ये बताता है कि लोक अदालत में समझाइश से कोई भी विवाद का अगर सल्यूशन निकाला जाता है तो आपसी समझौता और शांतिपूर्ण रवैये से प्रकरण का निस्तारण होता है। इसलिए आज और आज से आगे आने वाले सभी अदालतों में लोक अदालत की मेरा ये मैसेज रहेगा कि जितना हो सके छोटे मोटे प्रकरण हो और खास करके पारिवारिक मामलों में लोक अदालत के तहत आप लोग आपसी समझाइश करते हुए सुलह करते हुए मामलों का निपटारा करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षा मैम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत कितनी कारगर साबित हुई है और अब हमारे साथ वो दोनों पति पत्नी भी मौजूद हैं जिनका राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये विवाद कितने लंबे समय से चल रहा था, क्या विवाद था आपका? और आपकी शादी को कितना समय हो गया? 20 साल आपकी शादी को हो गए और 19 साल आप एक साथ अच्छे तरीके से रहे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई कि जो आप 19 साल साथ रहने के बाद 1 साल से आपका विवाद चला और वो विवाद आज न्यायालय में आके खत्म हुआ है? मुझे तो आज ही पता चला था जब केस लगा, कोई विवाद नहीं था, बहकावे में इधर जा चक्कर पड़ा ही। अब दोनों तुम हंसी खुशी रहेंगे ना? अभी हम लड़की की शादी के बाद आपने शादी भी कर दी, आपकी लड़की की शादी भी कर दी और उसके बाद आपका विवाद हुआ? पहले से ही विवाद, पहले से विवाद। शादी में दोनों साथ साथ आए, कन्यादान दोनों ने साथ साथ किया। हम कहें कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत इतनी कारगर साबित हुई है कि एक परिवार टूटने से बच गया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हमेशा कोई कोई प्रकरण ऐसे आते हैं कि जिनमें परिवार को टूटने से बचाते हैं। हमारे साथ इनके वकील भी मौजूद हैं, वकील साहब से जानना चाहेंगे कि वकील साहब ने किस तरीके से इसे समझा। इसके लिए सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फजल है और उनका प्रकरण तो था उसमें राष्ट्रीय अगर से 1 साल से चल रहा था और अब इनका आपस में कम्प्रोमाइज हमने करा दिया है नेशनल लोक अदालत के माध्यम से। हमने इनको समझाया था कि भाई इस तरह से दिक्कत नहीं करना चाहिए, परिवार में प्रेम से रहना चाहिए, दोनों की समझा इसके बाद इनका कम्प्रोमाइज हो गया है। अब ये दोनों अभी उनके घरवाला लोग बन गया और इस तरह से यह तरह से उनको प्रेम पूर्वक दूसरे को सामने। देखा आपने कि राष्ट्रीय लोक अदालत कितनी कारगर साबित हुई है नव जोड़े को दोबारा से साथ रहने के लिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।